हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। हुक्स लॉ उन डायटमिक मॉलिक्यूल्स पर लागू होते हैं जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स को एक बॉल के रूप में माना गया है और एटम्स जिस बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है उस बॉन्ड को यहाँ पे एक स्प्रिंग के रूप में माना गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। यह एटम ए, एटम वन और ये है एटम टू। इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड है उसको इस तरह से स्प्रिंग के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और दोनों के बीच के जो इंटर एटोमिक डिस्टेंस है उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल किसी भी सोर्स के थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा और ये मॉलिक्यूल स्ट्रेचिंग की पोजीशन में आ जाएगा। तो स्ट्रेचिंग की पोजीशन में उसकी स्थिति इस तरह से रहेगी, मतलब बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई जो, तो जितनी चेंज हो रही है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वन। अगर एटम ए की इंक्रीज इधर से इंक्रीज हो रही है तो उसको एक्स वन के थ्रू और एटम दूसरे एटम की एक्स टू के थ्रू। और जब उस स्प्रिंग को ऐसे अपन छोड़ते हैं तो वो एक बार कंप्रेशन की स्थिति में आती है, तो उस स्थिति में भी बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी जो चेंजेज है उसको एक्स वन और एक्स टू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे ये जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है इसको स्ट्रेच करने के लिए एक तरह का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स बराबर है, इसको हम, ये फोर्स को हम दो इक्वेशंस के द्वारा बता सकते हैं। फोर्स इक्वल टू एम ए, एम यहाँ पर है मास ऑफ द एटम और ए यहाँ पर है एसिलरेशन, मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण का मतलब है कि समय के साथ में किसी भी समय के साथ में वेग में जो परिवर्तन की जो दर होती है उसको बोलते हैं त्वरण। तो यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है वो है F इजिकल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे K है कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे X है चेंज इन बॉन्ड लेंथ या चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे इस तरह के फोर्स को लगाने पर जो बॉन्ड लेंथ है उसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसमें चेंजेज हो रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू हम इस तरह से, इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकते हैं, एम ए इजिकल टू है माइनस के एक्स। अगर एटम वन के रेफरेंस से माने तो यहाँ पे एम वन ए वन इजिकल टू हो जाएगा माइनस के एक्स, और हम एटम टू के रेफरेंस से माने तो ये हो जाएगा एम टू ए टू इजिकल टू माइनस के एक्स। अब क्योंकि ए इजिकल टू बराबर होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बता रहा है, समय के साथ में इंटर एटोमिक डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है या वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको बोल रहे हैं त्वरण। तो यहाँ पे एम वन डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा माइनस के एक्स, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर थ्री के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एक्स इजिकल टू है आर माइनस आर ई, और एटम नंबर टू के रेफरेंस में हो जाएगा एम टू डी स्क्वायर आर टू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में यहाँ पे जब इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम पर को हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स के में लगाते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे देखिए सेंटर से इसकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसको आर वन और आर टू से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के स्टेट में एम वन आर वन इजिकल टू हो जाएगा एम टू आर टू, और क्योंकि आर इजिकल टू है आर वन प्लस आर टू तो यहाँ पे आर वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, R1 हो जाएगा R1 R माइनस R2। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा M1 ब्रैकेट R माइनस R2 इजिकल टू M2 R2। इस इक्वेशन को और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा M1 R माइनस
एम टू आर टू इजिकल टू एम टू आर टू। और इस इक्वेशन को हम ये माइनस वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे जाएगा एम वन आर इजिकल टू एम टू आर टू प्लस एम वन आर टू। इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम वन आर इजिकल टू, यहाँ पे आर टू को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में एम वन प्लस एम टू। तो इस इक्वेशन से इक्वेशन निकल के आ जाएगी आर टू इजिकल टू एम वन आर अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फाइव। इसी तरह से हम आर वन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो आर वन की वैल्यू हो जाएगी आर वन इजिकल टू एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सिक्स। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर थ्री एंड सिक्स के थ्रू हम मतलब हम इक्वेशन नंबर थ्री में ये आर वन की वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से ये नई इक्वेशन निकल के आएगी एम वन डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर थ्री में आर वन की वैल्यू रख दी है, इजिकल टू हो जाएगा ये माइनस के एक्स। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर फोर में आर टू की वैल्यू रखकर ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इन दोनों ही इक्वेशन से यहाँ पे एक कॉमन इक्वेशन निकल के आएगी एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट वन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ पर आर ई इजिकल टू जीरो है और एक्स की वैल्यू को यहाँ पे उस समय आर के रूप में मान सकते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह हम यहाँ पे रख देंगे एक्स। तो एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स। यहाँ पे जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है वो बराबर है म्यू के, म्यू यहाँ पर है रिड्यूस्ड मास। जब दोनों ही एटम्स अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे हो तो उस स्थिति में जो एटम्स के जो मास है जो उसको हम रिड्यूस्ड मास के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर प्रीवियस इक्वेशन में जब हम एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू की जगह म्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी। तो इस इक्वेशन को आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन म्यू एक्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम इसके इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे क्योंकि ओमेगा बराबर है, यहाँ पे ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन म्यू के, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के अपॉन म्यू। तो यहाँ पे के अपॉन म्यू की जगह हम रख देंगे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल होती है ओमेगा अपॉन टू पाई के, और ओमेगा की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। और क्योंकि वेव नंबर बराबर होता है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अपॉन सी के, तो जब वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन टू पाई सी, या इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन टू पाई सी अंडर रूट वन के अपॉन म्यू। और यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो इस तरह से किसी भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये होता है हुक्स लॉ, वेव नंबर इजिकल टू वन अपॉन टू पाई सी अंडर रूट के अपॉन एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो किसी भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है, मतलब अगर उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम वेव नंबर का मान इस हुक नियम के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ये हुक्स इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी केमिकल बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको स्ट्रेच करने के लिए हमें उतनी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में जो उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो उसके एक तरह से प्रोपोर्शनल होती है इस फॉर्मूले के थ्रू E इजिकल टू एच म्यू। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी इस
स्ट्रेच होने के लिए, और उतनी ही ज़्यादा उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं उनके इसी इक्वेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं उनके लिए जो रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू होती है वो जितनी ज़्यादा होगी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, वो उसके लिए उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर रिड्यूस्ड मास उसका ज़्यादा होगा तो हमें उसका जो IR स्पेक्ट्रा होगा वो उतने ही कम वेव नंबर पे हमें उसका IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। तो हुक्स लॉ के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई भी केमिकल बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए उस उतनी ही ज़्यादा उसको स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेव नंबर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इसी कारण से जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो 368 किलो जूल पर मोल होती है, और इसके लिए जो हमें IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर। जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है वो होती है 1650 किलो जूल पर मोल, और जो इसका IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है इसके लिए जो एनर्जी होती है 699 किलो जूल पर मोल, और जो IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा ये 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगा। तो इसी तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी 962 किलो जूल पर मोल, जबकि जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो होगा 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से आप देखिए जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है वैसे जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है वैसे वैसे उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, और एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ में वेव नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब उसका IR स्पेक्ट्रा हमें ज़्यादा वेव नंबर पर प्राप्त हो रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि रिड्यूस्ड मास की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ही कम वेव नंबर पर उसका स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो मैंने बताया कि 368 किलो जूल पर मोल है, जबकि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है लगभग 435 किलो जूल पर मोल। लेकिन देखिए आप इसमें देखिए इन दोनों में बॉन्ड एनर्जी के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो कार्बन कार्बन जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एटम्स के बीच का जो एटम्स का जो मास है रिड्यूस्ड मास है वो इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे रिड्यूस्ड मास डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेव नंबर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हम हुक्स लॉ को किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक स्प्रिंग के डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक गेंदनुमा स्प्रिंग के रूप में मान के हम उसके उस पर हुक्स लॉ को लागू कर सकते हैं, और हम उसके लिए किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के एक सिंगल बॉन्ड के लिए हम वेव नंबर की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।